नमस्ते दोस्तों। तो मैं आपको ये कद्दू जो लौकी है उसकी खीर की रेसिपी बताऊंगी, जो कि हम लोग व्रत में खाते हैं। व्रत में हमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कद्दू को चॉप करने के बाद, मतलब उसके बाद मैं इसको बॉईल कर ली बिना पानी का, और फिर अभी मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें दूध डालूँगी। मैंने इसमें घी का यूज़ नहीं किया है, और कद्दू बॉईल करते टाइम पानी नहीं डाला है, बिल्कुल ऐसे ही बॉईल किया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ऐसे हो गया। अब इसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी। और फ्लेम को हाई कर लूँगी मैं। इसको 5 से 10 मिनट लगेगा, और ये बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है, टेस्टी भी रहता है। अब इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। मैंने शुगर इसमें ऐड कर दिया है। इस पॉइंट पे आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, मैं ऐड नहीं कर रही। चार मिनट के लिए मैं और इसे रख दूँ, उसके बाद ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है ये हो गया है, पर एक बार मैं मम्मी को बुलाएंगी चेक कर लूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा थर्सडे का फलाहार। सुबह में मैं यही खाऊंगी।